हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ आज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कोरियन ड्रामा सीरीज मैरिज नॉट डेटिंग की एपिसोड नंबर 8 को। तो अगर इस सीरीज की पिछली वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। इस एपिसोड के स्टार्ट में किराए की मॉम काफ़ी सैड बैठी होती है और दादी ये बात फील करती है और उससे कहती हैं कि आगे तुम क्या करने वाली। तो मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मैं हार चुकी हूँ। मुझे कल की बातों से ऐसी फीलिंग आई है जैसे किताय उस लड़की के बारे में सीरियस होने लगा है। तो अब मैं अपने स्टैंड से पीछे हटती हूँ और अब उन दोनों की शादी करा के ही रहूंगी। फिर उसके बाद मॉम सुबह सुबह किराए के नंबर पर कॉल करती हैं जो कि आगे से उसी के बेड पर सो रही जांगमी फोन उठाती है और अपना फोन समझ कर उनसे बातें करने लगती हैं। मॉम कहती हैं तुम दोनों काफी क्लोज हो चुके हो, तुम किताए के कमरे में हो, चलो मेरा वेट करो, मैं नीचे ही हूँ, तुम दोनों से मिलने आ रही हूँ। ये सुनकर जांगमी के होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो लिविंग एरिया में वो दोनों बॉयज एक दूसरे को चिपके सो रहे होते हैं। वो जब उनको उठाती है तो आगे से हनरियोम कहता है कि मेरे साथ तो कल जांगमी सो रही थी, क्या हुआ किताए तुम जेलस हो रहे थे तभी तुमने इसे अंदर सुला दिया। तो आगे से किताए कहता है जेलस हो मेरी जूती, वैसे ही मैं एक लड़का हूँ, मैंने सोचा मैं बाहर सो जाता हूँ, लड़की को आराम से अंदर सोने दूँ। वो दोनों इसी तरह की बातों पर फिर लड़ने लग जाते हैं। फिर जांगमी उन दोनों को लड़ने से रोकती है और बताती है कि लड़ाई बाद में करना, मॉम अभी आ रही है। फिर वो लोग हनरियोम को छुपा देते हैं और मॉम के सामने एज अ कपल एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। मॉम उनके घर का विजिट करने लगती है और बहुत सी चीज़ों में कीड़े भी निकालती है और जांगमी को कहती है कि तुम किताए का घर अच्छे से सेट करके रखा करो। फिर वो जांगमी को उसका फ़ोन वापस करके कल के लिए सॉरी करती है और फिर कहती है कि तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई, अब मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। हनरियोम भी ये सब सुन लेता है और उस पर तो बिजलियाँ ही टूट पड़ती हैं। जब मॉम कहती हैं कि हम जांगमी के पेरेंट्स से ऑफिशियल मीटिंग इस वीकेंड पर करने वाले हैं ताकि शादी के सारे मामलात को डिस्कस कर सकें। फिर उनके जाने के बाद जांगमी बहुत अपसेट बैठी होती है, कहती है कि ऑफिशियल मीटिंग भी हो जाएगी, मेरे मॉम डैड बहुत सपने सजा लेंगे, प्लीज़ कुछ तो करो, ये मीटिंग कैंसिल कराओ। तो आगे से किताय उससे प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि ये मीटिंग डिले हो जाए और तब तक हम कोई और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर किताए बैठा इसी मामले पर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है कि हनरियोम उससे मिलता है और फिर कहता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाओ ताकि मैं अब ओपनली जांगमी के साथ डेट कर सकूं। किताए को ये सब सुनकर बहुत जेलसी फील होती है और वो उसके सामने खड़ा ही जांगमी को फ़ोन करके मूवीज जाने पर इनवाइट भी कर लेता है। अब मीटिंग को डिले कराने के लिए किताए के शैतानी दिमाग में यही आइडिया आता है कि वो जांगमी की मॉम की एक प्लास्टिक सर्जरी कर देता है ताकि रिकवरी में देर लग जाए और वो ऑफिशियल मीटिंग को डिले कर दे। जांगमी इस फजूल से आइडिया पर उस पर बहुत गुस्सा भी करती है, लेकिन जब अंदर जाकर देखती है तो उसकी मॉम के डार्क सर्कल्स पे उसने कोई ट्रीटमेंट किया हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी। मॉम सोचती है कि इस तरह से तो मैं ऑफिशियल मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी। तो किताय काफ़ी नाटक करता है और फिर उनको मशवरा देता है कि मीटिंग को डिले कर दें। और जांगमी तो फटाफट किताय की मॉम को कॉल करके कहती है कि मेरी मॉम बीमार, उनकी आज ही एक सर्जरी हुई है हेमोरॉइड्स की, उन्हें उठने बैठने में मुश्किल होगी, इसलिए हम ऑफिशियल मीटिंग को थोड़ा आगे करना चाहते हैं। फिर वो मॉम खुद ही जांगमी की मॉम को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती है और उनके बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि वो हेमोरॉइड्स का ऑपरेशन समझ रही थी जबकि उन्होंने तो आइज का ऑपरेशन कराया था। लेकिन किताए की मॉम काफ़ी चालाक थी, वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाती है कि जांगमी की मॉम को ऑफिशियल मीटिंग पर आना ही पड़ता है। फिर वीकेंड पर जांगमी की मॉम बड़े बड़े से गॉगल्स लगा कर जाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। जांगमी उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। किताए अपना प्लान फेल होने पर काफ़ी सैड होता है और दोनों तरफ की फैमिलीज़ की अब ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट हो ही जाती है। अब ये लोग शादी के बारे में डिस्कस करेंगे और डेट डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जांगमी का हेमोरॉइड्स का बोला हुआ झूठ भी पकड़ा जाता है क्योंकि किताए की मॉम जांगमी की मॉम के लिए बहुत आरामदेह सा कुशन भी लेकर आती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मेरी बेटी ने क्या क्या झूठ बोला है। वो बता देती हैं कि मेरी तो आइज़ की सर्जरी हुई है, बैक मेरी बिल्कुल फाइन है। फिर दोनों फैमिलीज आपस में कुछ बातें करते हैं और डिस्कशन के बाद यही फैसला होता है कि 2 महीने बाद इन दोनों की शादी कर दी जाए।
और फिर घर पहुंचते ही जांगमी के मॉम डैड हमेशा की तरह शादी की बातों को डिस्कस करते हुए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जांगमी बिल्कुल तन्हा रह जाती है। इतने में उसे किताई का मैसेज आता है। वो बाहर उसे मिलने आया था और उसके पेरेंट्स की तरफ से लाए हुए गिफ्ट्स उनको देता है। यहाँ पर वो जांगमी से सॉरी करता है कि मेरा प्लान फेल हो गया है, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी मॉम के रिंकल्स का फ्री में सर्जरी करूँगा। फिर हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे से किताई की मॉम जांगमी को साथ लिए लिए शादी की तैयारियाँ करती फिर रही हैं। उनके लिए बहुत सारा घर का सामान, बेडिंग, सोफाज वगैरह भी चूज़ करती हैं और बातों बातों में उसे ये भी जता देती हैं कि जहेज़ तो हम नहीं मांग रहे, तुम्हें हमारी फैमिली को हमारी इज्जत रखने के लिए कुछ महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देना होंगे। और तो और एक दिन तो हद ही हो जाती है जब वो जांगमी को एक गायनी चेकअप के लिए ले जाती है। जांगमी को बहुत बुरा लगता है तो मॉम आगे से उसे कहती है कि तुम 30 साल की होने वाली हो, 35 साल की उम्र तक मुझे दो पोता पोती भी चाहिए, इसलिए ये चेकअप वगैरह पर बाद में टाइम वेस्ट ना हो, मैं पहले ही करा रही हूँ। आज हानरियोम ने जांगमी से मिलना था, लेकिन जांगमी तो अपनी सासू माँ के साथ इतनी बिजी होती है कि बेचारा हानरियोम बैठा वेट करता रह जाता है और जांगमी वहाँ पर पहुँचती ही नहीं, और उन दोनों का आज का डिनर रुइन हो जाता है। फिर घर पहुँच कर जांगमी किटाए को उसकी मॉम की सारी बातें बताती है, जो जो उन्होंने आज किया, और उसे वो पेमेंट भी करने को कहती हैं जो महंगे महंगे गिफ्ट्स उसकी फैमिली को शादी के टाइम पर देने हैं। फिर वो दोनों इसी तरह की बातों पर आपस में लड़ने लग जाते हैं और हानरियोम सामने बैठा देख रहा होता है। वो दोनों बिल्कुल एक बिकरिंग कपल लग रहे थे। उन दोनों को फीलिंग भी नहीं आ रही थी कि वो बिल्कुल एक कपल के जैसे बातें कर रहे हैं। तो किटाए के प्रेशर डालने पर जांगमी वहाँ पर कहती है कि मैं क्यों दूँ जहेज, मैं नहीं दूंगी, मैं कोई फैमिलीज को जोड़ूंगी, मैं तो लड़ाइयाँ कर करके शादी के बाद सारों को अलग कर दूंगी, और हाँ हमें भी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए, मेरी तो उम्र इतनी कम है। बाद में जांगमी हानरियोम से सॉरी करती है और कहती है कि मेरी आगे दो दिन छुट्टियाँ हैं, मैं सबसे चोरी चोरी तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगी, बस तुम तैयारी पक्की रखना। किटाए उनको चोरी चोरी बोलते देखता है तो उसे शक हो जाता है। और फिर अगले दिन जब वो दोनों डेट पर जाने लगते हैं तो एन टाइम पर किटाए भी वहाँ पहुँच जाता है, और जब हानरियोम अपना बाईसाइकिल लेने के लिए जाता है तो उस टाइम पर धोखा देकर किटाए जांगमी को अपने साथ साइकिल पर बिठाता है कि मेरी मॉम तुम्हें देखने लगी है, यहाँ पहुँचने लगी है, और फिर उसे अपने साथ भगा कर ले जाता है। हानरियोम अभी यहीं पर हैरान खड़ा होता है कि ऊपर से होनडोंग आता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। किटाए ऐसे जेलस रिएक्ट करते हुए बहुत ही क्यूट लगता है और जांगमी को कहता है कि मुझे कस के पकड़ लो, हम बहुत दूर भागने वाले हैं, और फिर जांगमी को अपने साथ बहुत ही दूर कहीं खेतों में फसलों में ले जाता है। जबकि होनडोंग हानरियोम से कह रहा होता है कि चाहे जांगमी मेरे साथ रहे या मेरे फ्रेंड के साथ, तुम बीच में टांग नहीं अटकाओ, तुम यहाँ से कहीं दफा हो जाओ। और फिर काफ़ी सारा डांटने के बाद उसे कहता है कि जाओ मेरी कार वॉश करा के लाओ। यानी कि हानरियोम की डेट अब ऑफिशियली रुइन हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ जांगमी किताए पर गुस्सा कर रही होती है कि मुझे समझ आ गई है, कोई मॉम वगैरह नहीं आई थी, तुम सिर्फ मुझे और हानरियोम को डेट पर नहीं जाने देना चाहते थे। तो आगे से किताए कहता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, तुम लोग इतनी जल्दी कपल कैसे बन गए, क्या तुम दोनों ने किस की है। तो आगे से जांगमी कह देती है कि हाँ की है। ये सुनकर किताए को बहुत बुरी फीलिंग आती है, हो जाता है कि तुम कितनी ईजी सी लड़की हो। ये सुनकर जांगमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किताए पीछे खड़ा रह जाता है। जांगमी जैसे ही साइकिल लिए हानरियोम के रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वाकई में वहाँ किताए की मॉम आगे खड़ी होती है और वो उसे कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें आज छुट्टी है, चलो मेरे साथ, हम आज वेडिंग ड्रेस खरीदने जाएंगे। फिर वो जांगमी को अपने साथ डिज़ाइनर की शॉप पर ले जाती हैं और वहाँ पर अपने पसंद किए हुए ड्रेसेस जांगमी को ट्राई करने को कहती है। जांगमी वाकई बहुत क्यूट लग रही होती है, लेकिन उसी टाइम पर जांगमी को ख्याल आता है, कहती है कि मैं सारा कुछ रुइन कर दूंगी। फिर क्या करती है, कहती है ये तो बहुत लंबा ड्रेस है, मैं तो छोटा सा ड्रेस पहनूंगी शादी पर, ताकि आंटी उस पर गुस्सा करें और शादी ही कैंसिल कर दें। दूसरी तरफ किताई इस टाइम पर जिम में पहुँच चुका होता है और वहाँ पर सेह भी होती है। जबकि किटाए की मॉम बहुत चालाक होती है, वो हर बात समझ गई थी, और जब वो छोटा सा ड्रेस पहनकर अब जांगमी सामने आती है तो आगे से उसकी अपनी मॉम भी बैठी होती है, और वो इस तरह की बोल्ड हरकतें करने पर हर मॉम की तरह अपनी बेटी को खूब डांटती है और कहती है कि कोई शरीफों वाला ड्रेस पहन कर आओ।
अब जंग में इस परेशानी में फिर किराए को कॉल करती है तो आगे से उसकी कॉल से आ उठाती है और उसे कहती है कि किराए तो अभी अभी वॉशरूम में शावर लेने गया है। ये सुनकर जंग में कुछ अजीब अजीब सोचने लग जाती है और फिर फ़ोन बंद कर देती है। आज पहली दफ़ा लगता है कि जंग में को भी कोई जेलसी फील हुई है। बाद में किताए को जब पता चलता है कि जांगमी पर क्या गुजर रही है और वो वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने गई है तो वो फौरन से वहाँ पहुँचने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ कार वॉश कराते हुए हानरियोम को भी पता चल जाता है कि जांगमी इस वक्त वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने पहुँची है। उधर शॉप में जांगमी एक बहुत ही खूबसूरत सा वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है जिसमें वो बहुत हसीन लगती है, लेकिन उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि ये मैं किस तरफ जा रही हूँ, क्या मेरी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं मुझे ये सब अभी कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल करते करते वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देती है। जब वो दौड़ती हुई बाहर आती है तो आगे किताए और सेह को खड़े हुए देखती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। इतने में हानरियोम भी वहाँ गाड़ी में पहुँच जाता है और उसे आवाज़ देता है। तो दो मिनट में ही फिर जांगमी फैसला कर लेती है। जब दोनों मॉम्स को पीछे देखती है तो पलट कर नहीं जाती बल्कि भाग कर हानरियोम की गाड़ी में बैठ जाती है और वो वेडिंग ड्रेस पहने उसके साथ ही भाग जाती है। और यहीं पर ही ड्रामे की ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।